हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे योसी टोकन के अपडेट के बारे में, और ये बहुत क्विक अपडेट होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोइन मार्केट कैप का जो प्राइस चल रहा है वो 0.3x01225 रुपीज़ में है, और ये 6 से 7% अप में ट्रेड कर रहा था, बट अब ये फिर से डाउन हो गया। इसी तरह से कल से ये इसी तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है इसका ट्रेड। तो यस, इसका जो आपका वॉल्यूम देखेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में इसका ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, -20 आसपास चल रहा है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट ही क्रैश कर गया है। बट मेरे ख्याल से अभी का टाइम में इसे इसका वॉल्यूम को बढ़ जाना चाहिए था, बट उम्मीद करते हैं बहुत को इसको शायद अभी होल्ड कर रहे हैं, मार्केट बस वॉच कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी पूरा डरा हुआ है, फियर का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि अभी मार्केट सबको लग रहा है कि और यहाँ से गिर जाए ना क्या। तो इसी डर से बहुत कोई अभी मार्केट में घुसना ही नहीं चाहते, ना सेल करना चाहते ना बाय करना चाहते, या फिर जो लोग सेल करना चाहते हैं वो लोग सेल आउट कर चुके हैं कल तक में, जो मार्केट जिस तरह से गिरा था। तो अभी कोई यहाँ पर जल्दी कोई मार्केट में आना नहीं चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर आप होल्डिंग करते हो, तो अगर आप होल्ड करके रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसमें धीरे धीरे ऐड कर सकते हो, और आज जो सपोर्ट जो लाइन बना है, ठीक है, उस एक्चुअली चैट को थोड़ा देर में देखेंगे। पहले इसका जो हो मार्केट यहाँ पे देख लीजिए, अभी पूरा जो 7 डेज़ में अच्छा खासा है, मतलब अपना एवरेज लाइन से ऊपर में ही है, ये अच्छा ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसका बर्न वॉलेट में देखेंगे, यस, ये स्लोली स्लोली जो इसका मैकेनिज्म के थ्रू से ये बर्न कर रहा है, और ऑलमोस्ट ये 9% जो इसमें रिसेंट टाइम में जो 9% बर्न करा था मैनुअली जो बर्न किया था, तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे इसको तो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर इसको अभी जो लोग होल्ड करें, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो योसी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ठीक है। इस टाइप का जो टोकन है ये आपको जब बुल रन आएगा तो आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। जब बुल रन आएंगे तो आप अभी से इसका जो टोकन को उसको स्टेक करते जाइए, क्योंकि अभी आपको जो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको अभी होल्ड करते जाइए, एक बार इसका बुल रन आने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा इसका जो रन है। अगर इसका चार्ट देखेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट ये कितना तक जा चुका था, आप यहाँ पर देख सकते डिफरेंस, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका डिफरेंस दिखेगा आपको, अगर यहाँ से जो इसका जो बुल रन का वक्त था, एक मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ, ओके, देखिए ऑलमोस्ट 900% पकड़ लीजिए इसको, ठीक है। 900% का आसपास आपको यहाँ से मूव देखने को मिला था, उसके बाद से ये ऑलमोस्ट साइडवेज आया। और इसका देखिए कोई भी टोकन का या फिर कोई भी कॉइन का अगर आप देखेंगे तो देखिए इतना बड़ा जब मूव दिया, उसके बाद करेक्शन देने लगा था, यहाँ तक करेक्शन था, इधर भी करेक्शन कर ही रहा था, बट अचानक से जो कल परसों जो मार्केट में जो फॉल देखने को मिला था, सेम टू सेम यहाँ भी आपको वही फॉल देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो आप इस सपोर्ट का वेट कीजिए, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन उम्मीद नहीं है ऐसा फॉल होगा, क्योंकि मार्केट जो स्पेकुलेशन था, नेगेटिव स्पेकुलेशन था कि मार्केट नीचे गिर रहा है कोविड का चक्कर में, या फिर बहुत सारा ऐसा कुछ मार्केट में चल रहा है, तो वो सब को देख करके आदमी लोग अभी पैनिक में है, फिर मार्केट में फियर है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि देखिए एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है, तीन बार होने के बाद भी अभी ये नीचे नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ से एक साइडवेज मूवमेंट बनाए, और इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, देखिए आप पकड़ के चलिए ये लेवल को, अगर ये लेवल को क्रॉस करेगा, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है आसपास यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्रॉस कहीं भी क्रॉस करे इससे, ठीक है, तो करता है तो आपको यहाँ से एक नया मूव देखने को मिलेगा। आप मान के चलिए कि ये एंड बाय क्रिसमस एंड और इस वीक में होगा, लेकिन लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक में आसपास में आपको यहाँ पे एक मूवमेंट अच्छा खासा दिखेगा आसपास, ठीक है। अगर ऊपर की ओर जाती है, अगर यहाँ से अगर नीचे जाती है, तो गाइस ये बहुत नीचे फॉल कर जाएगी। तो आप वेट कीजिए, अभी अगर आप यहाँ पे बाई या सेल करना चाहते हैं तो ये सेल के लिए भी आपको वेट कीजिए, जैसे यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देगा, फोर आवर्स तक अगर नीचे होल्ड करता है, तो ये सोचने घबराने वाली बात है। बट फिलहाल देखेंगे यहाँ पर, अगर आप डे कैंडल में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, घबराने का बात नहीं है, आप वेट कीजिए। अगर बाई करना होगा तो आसपास जब ये अप मूवमेंट दिखाएगा, जब मार्केट के हिसाब से जब अगर लगेगा कि मार्केट अगर यस रिकवर कर रहा है, तो यस आप यहाँ पे बाई इन कर सकते हैं आसपास यहाँ पे। लेकिन मार्केट अगर रिकवर नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट के हिसाब से अगर ये
योसी जो कम्युनिटी अगर उसके हिसाब से ऊपर आया है, लेकिन मार्केट के हिसाब से बाद में अगर उसका सेंटीमेंट अगर गलत होता है या फिर बैड सेंटीमेंट होगा तो ये नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा मार्केट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अभी आराम से इसको वेट कीजिए, वेट एंड वॉच मोड में ही है। इसका अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। तो अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।